श्याम कुर मोहनी के जे ऐसे पांच वशीकरण टोटके हैं, इन टोटकों को करने से आप जैसा भी वशीकरण चाहते हैं वैसा ही वशीकरण कर सकते हैं। तो क्या है? सिद्धों धाम वाली माता श्याम कुर मोहनी जी के जे सिद्ध टोटके, तो देखते हैं इसका पूरा विश्लेषण इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो जैसे साधना और समाधान चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको वशीकरण करने वाली शक्तियों की जानकारी देता रहता हूँ, लेकिन आज जो मुझे विधि में आपके लिए लेकर आया हूँ, पांच उपाय पांच टोटकों की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। जो भी आपको सरल लगे, जैसे भी आपको समस्या लगे, आप उसी टोटके की विधि को अपनाएं, जिससे आप अपने रूठे हुए प्यार को मना सकते हैं। अगर आप दोनों में अनबन रहती है, लड़ाई झगड़ा रहता है, तब भी आप इन टोटकों की विधि को अपना सकते हैं। अगर आप दोनों में कोई तीसरा व्यक्ति आ चुका है, उसको आप दूर करना चाहते हैं, तब भी आप इस वशीकरण शक्ति को अपना सकते हैं और इनकार को इकरार में बदल सकते हैं। जैसा वशीकरण चाहेंगे दिल से, वैसा ही वशीकरण होगा, अगर श्रद्धा के अनुसार विश्वास के साथ आप इन टोटकों की विधि को अपनाएंगे। सबसे पहला टोटका, अगर आप दोनों में अनबन रहती है, छोटी छोटी सी बातों के ऊपर लड़ाई झगड़ा हो जाता है और आपका जो रिश्ता है टूटने की तादाद के ऊपर अगर आ जाता है, तब आप इस टोटके की विधि को अपनाएं। और ये जो टोटका है, अगर किसी पति पत्नी में भी अनबन रहती है, किसी घर में किसी के साथ अनबन रहती है, वह भी इस टोटके की विधि को अपना सकते हैं। बिल्कुल सरल विधि है। कच्ची लस्सी बनानी है, कच्चा दूध, दूध में पानी डालने, 7 दाने मिश्री के डाल लेने हैं और 1 साबुत लौंग डाल लेना है, 1 छोटी इलायची डाल लेनी है। और यह जो विधि है, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक रेगुलर आप माता श्याम कुर मोहनी का नाम लेकर के, माता रानी मैं आपका जो शीतलता प्रदान करने वाला उपाय करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, और आप जो हमारा रिश्ता है इसमें शीतलता प्रदान करें। उसके बाद इसको आप पीपल के वृक्ष की जड़ में आप इसको डालना शुरू कर दें रेगुलर, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। इससे आपके घर के पितृ पूर्वज भी प्रसन्न होंगे और इसके अलावा जो आपकी ये जो समस्या है अनबन वाली, वह भी दूर हो जाएगी। और अगर आप किसी को दिल से चाहते हैं और इनकार को इकरार में बदलना चाहते हैं और उसको आप पाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये टोटका है। इसके लिए आपने 7 प्रकार की मिठाई लेनी है। ये जो उपाय है 5 शुक्रवार करना है, 5 फ्राइडे, 5 शुक्रवार रेगुलर इस उपाय को करें। 7 प्रकार की मिठाई, 1 मीठा पान, 1 तिलों के तेल का दिया और 2 अगरबत्ती। ये जो सारी सामग्री है, इसको आंकड़े के पौधे की जड़ में या पीपल वृक्ष की जड़ में, केले या केली के पौधे की जड़ में, चमेली का जो पौधा होता है खुशबू वाला उसकी जड़ में, या किसी बहती नदी के किनारे कर सकते हैं रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए। वहाँ पर जाकर पहले आपने दीपक को रोशन कर देना है, उसके बाद 2 अगरबत्ती लगा देनी है, उसके बाद जो वह लूफा है, 7 प्रकार की मिठाई और मीठा पान है, उस दिए के ऊपर से जो तिलों के तेल का दिया उसके ऊपर से 7 बार ले, फिर अपने माथे को लगाएं जिसको आप पाना चाहते हैं। फिर आप माता श्याम कुर मोहनी से बेनती करेंगे कि माता श्याम कुर मोहनी, जो भी मेरा ये प्यार है इसकी मुझे प्राप्ति हो, और ये मैं जो लूफा है आपका ये भोग प्रसाद दे रहा हूँ या दे रही हूँ। तो वो इसी विधि के अनुसार 5 शुक्रवार रेगुलर करें तो 41 दिन हो जाएंगे, तो इससे आपको आपके प्यार की प्राप्ति हो सकती है, इनकार को इकरार में बदल सकते हैं इस उपाय से। लेकर करना श्रद्धा के अनुसार, पाक साफ होकर शुद्धता के साथ। और अब मैं आपको ये तीसरा उपाय बताने जा रहा हूँ माता श्याम कुर मोहनी का। ये ऐसा उपाय है, अगर आपका प्यार
आपको छोड़कर कहीं दूर चला गया है और आप उसको पाना चाहते हैं, क्या उसकी वापसी हो जाए, तो उसके लिए आपको एक चौमुखे चिराग की जरूरत पड़ेगी। ये जो चिराग है, आप तिलों के तेल का भी चौमुखा चिराग रोशन कर सकते हैं या चमेली के तेल का भी चौमुखा चिराग रोशन करते हैं। इसके लिए आपको दो लड्डू चाहिए बूंदी वाले और सात आपको बतासे चाहिए, दो लड्डू और सात आपको बतासे चाहिए। और यह जो दीपक है आपने रोशन करना है किसी नदी नहर के किनारे रविवार वाले दिन, और यह जो विधि है तीन रविवार रेगुलर करें, हो सकता है पहले रविवार में ही आपका काम बन जाए। वहाँ पर जाकर ये दीपक रोशन करें और वह जो दो लड्डू और जो वह सात बतासे हैं उस दीपक के ऊपर से उल्टा वार लें, एंटी क्लॉक वाइज वार कर अपने माथे को लगाकर वहाँ पर रख दें और जो आपकी मन की मनोकामना है जिसको आप वापस बुलाना चाहते हैं ऐसी अरदास बेनती करें तो आपकी जो मनोकामना है माता श्याम कौर मोहनी पूर्ण करेगी। अब ये जो चतुर्थ चौथा जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप दोनों में कोई तीसरा आ चुका है तो अब आपने ये जो उपाय, ये जो टोटका, ये जो विधि है, ये तामसिक विधि के द्वारा होगी, क्योंकि माता श्याम कौर मोहनी के साथ 370 सिरखी चलती है, बहुत सी शक्तियाँ चलती हैं सफेदों धाम से, बाबा सावल सिंह बाबरी चलते हैं। तो इसके लिए जो यह उपाय आपने करना है, आपने एक क्वार्टर शराब का लेना है, सात प्रकार की मिठाई लेनी है। अगर आप दोनों में कोई तीसरा आ चुका है उसको अलग करने के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए सात प्रकार की आपने मिठाई लेनी है, एक क्वार्टर आपने शराब का लेना है और दो आपने लड्डू लेने हैं और सात आपने मीठे बतासे लेने हैं, और इस सामग्री के साथ आपने एक लेनी है सिगरेट। तो ये जो सारी सामग्री है आपने किसी भी रविवार वाले दिन ये दीपक आपने रोशन करना है, सरसों के तेल का दीपक, सरसों के तेल का दीपक आपने रोशन करना है माता श्याम कौर और जो भी उसकी सेना है उनका ध्यान धरते हुए, और जो भी आपकी मनोकामना है जिसको आप अलग करना चाहते हैं, अगर नाम आपको पता है तो उसके नाम के अनुसार अरदास बेनती करें कि माता रानी ये व्यक्ति अलग होना चाहिए, और उसके बाद ये जो लूफा है किसी आंकड़े के पौधे की जड़ में आप इसको डालना शुरू कर दो तो जो वह तीसरा व्यक्ति है वह अलग हो जाएगा और आपको आपके प्यार की प्राप्ति हो जाएगी इस सरल से उपाय के द्वारा। बिल्कुल देखो सरल सरल विधियाँ, चार उपाय मैंने आपको बता दिए माता श्याम कौर मोहनी के, और जो व्यक्ति घर से बाहर नहीं जा सकते घर में ही कुछ ऐसा उपाय अगर आप करना चाहते हैं तो उसकी भी मैं विधि आपको बताने जा रहा हूँ। इससे आप जैसा भी वशीकरण चाहते हैं, जिसको भी पाना चाहते हैं, जैसी भी आपकी मनोकामना है अगर उसको पूर्ण करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने घर में एक पुष्पों का फूलों वाला कोई भी पौधा लगाएं और उसकी जड़ में मीठी कच्ची लस्सी डालना शुरू कर दो, मीठी कच्ची लस्सी, दूध में पानी थोड़ा सा मिठान डाल लो और दो अगरबत्ती। यह जो विधि है 21 दिन दो अगरबत्ती लगाते रहो उस पौधे की जड़ में, और उसके बाद जो वह कच्ची लस्सी है उसको रेगुलर आप डालते रहो उसकी जड़ में। ऐसा नहीं कि ज़्यादा आपने कोई बर्तन में ज़्यादा डालना, थोड़ा थोड़ा सा डाल सकते हैं उस पौधे की जड़ में, आप रेगुलर डालते रहो 21 दिन। तो जैसी मनोकामना लेकर माता श्याम कौर मोहनी के इन उपायों को आप करेंगे तो आपके मन की हर मनोकामना पूर्ण करेगी सफेदों धाम वाली माता श्याम कौर मोहनी, और जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो सफेदों धाम में जाएं, जब वहाँ पर जो भी माता का लूफा भोग प्रसाद है, चुनरी है, मेवा है, जो भी माता रानी का हार श्रृंगार है वह अपनी श्रद्धा के अनुसार आप भेंट कर सकते हैं। तो ये थे वशीकरण शक्तियों को प्राप्त करने वाले माता श्याम कौर मोहनी के 5 सिद्ध टोटके। इसके अलावा अगर घर बैठे कोई जन्म पत्रिका की जानकारी चाहते हैं, कोई रत्नों की जानकारी चाहते हैं, मेरे साथ आप बात करना चाहते हैं या घर की किसी समस्या के बारे में पर्सनली अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं, और इसके अलावा कोई भी घर के लिए घर कीलन किट
या वशीकरण किट, कोई भी धागा, सूत्र, ताबीज, जंतर सिद्ध माला, आप कोई भी यंत्र मेरे द्वारा घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या होगी घर बैठे उसका समाधान आप कर सकते हैं। और वह जो समाधान आपको मिलेंगे, जो जो स्क्रीन के ऊपर आप नंबर देख रहे हैं मेरे साथ बात करने के लिए भी, और अगर कोई किट वगैरह अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो उनकी भी इन्हीं नंबरों के ऊपर आप बुकिंग कर सकते हैं। अगर वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर करें, साधना समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। अब तक जय माँ काली, जय बाबा भैर बना। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं, गुरु जी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का किरण मन चाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरु जी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।